हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रूफ ऑफ चेन रूल। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स को जानेंगे। देखिए बच्चों, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन निकालते समय यूज करते हैं और उसी का प्रूफ इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रूफ किस तरह का है और वो कैसे सॉल्व होगा, ये बात हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें। देखिए बच्चों, यहां एक फंक्शन है जो y के इज इक्वल टू में है, f वो फंक्शन है बच्चों, यानी y इज इक्वल टू f ऑफ u हमें गिवन दिया गया है एंड u इज इक्वल टू हमें गिवन है g ऑफ x। तो जब हमें y की वैल्यू f ऑफ u गिवन दी हुई है और u की वैल्यू g ऑफ x गिवन दी हुई है, तो आप u के जगह g ऑफ x को रिप्लेस कर सकते हो। तो therefore y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, इस टर्म का मतलब क्या होगा, इसे ही कहते हैं बच्चों कंपोजिट फंक्शन, और इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है। तो यहां एक बेसिक मीनिंग है, जैसे देख लीजिए, यहां हम y को फंक्शन ऑफ x कह सकते हैं बट थ्रू g, क्योंकि g नहीं तो फिर वो फंक्शन डायरेक्टली किसका रहेगा बच्चों, u का। इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा और यही हमारा कंपोजिट फंक्शन है। चलिए अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग तो जान लिया, बट इस कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव डिटरमाइन करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं या जिस रूल का हम यूज करते हैं, उसे ही कहते हैं बच्चों चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। ध्यान रखिएगा और उसी का आप स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं। तो देखिए चेन रूल का स्टेटमेंट क्या होता है वो जानेंगे। इफ वाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ, अब देखिए y किसका फंक्शन है बच्चों, u का, तो वो डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो वो होगा बच्चों u के। तो यहां हमने लिखा है इफ y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ, अब आप जानते हो कि u कौन से वेरिएबल का फंक्शन है, तो वो है बच्चों x। तो यहां लिखा जाएगा डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x और यहां आ जाएगा सच दैट। तो देखिए अब y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, तो इनडायरेक्टली y किसका फंक्शन बन गया बच्चों, x का। इसी को हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। तो यही यहां लिख रहे हैं सच दैट y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ, क्या आ जाएगा बच्चों, x, बट ये थ्रू क्या हो रहा है, g हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहां हम लिख पाएंगे देन dy by dx अगर हमें डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले हमें y का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा u के रिस्पेक्ट में और फिर u का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चों x के रिस्पेक्ट में, और इसे को हम कहते हैं चेन रूल। तो चलिए अब स्टेटमेंट हमने जान लिया है चेन रूल का, अब हम उसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए बच्चों प्रूफ कैसा होगा, यहां से प्रूफ शुरू कर देते हैं। तो यहां हम लिखेंगे लेट डेल यू डेल वाई आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन वेरिएबल्स u एंड y रिस्पेक्टिवली, और ये करस्पॉन्ड करते हैं बच्चों दोनों। तो यहां हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल इंक्रीमेंट, और वो हम ले रहे हैं बच्चों डेल एक्स इन एक्स। तो आप समझ पा रहे हो, यहां पर सबसे पहले हमने यू इस वेरिएबल में स्मॉल इंक्रीमेंट किया, फिर वाई इस वेरिएबल में स्मॉल इंक्रीमेंट किया, और वो भी करस्पॉन्ड करता है किसके साथ, एक्स इस वेरिएबल के साथ, तो उसमें भी हमें स्मॉल इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बच्चों। तो यहां लिखा है हमने डेल एक्स इन एक्स, तो देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट डेल यू टेंस टू जीरो, तो यहां आ जाएगा बच्चों डेल वाई बाय डेल यू इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी यू, एंड यहां पर एक और टर्म आएगी बच्चों, वो आएगी लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो
सो हम लिख पाएंगे डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, डी यू बाय डी एक्स। यही हमारे बेसिक डेफिनेशंस के फॉर्म है, क्योंकि हमने स्मॉल इंक्रीमेंट के नेबरहुड के हिसाब से ही डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज को बनाया है। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब हम यहाँ कर रहे हैं लेट। अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स डिटरमाइन करना है बच्चों, जैसा कि आप एल एच एस देख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स है, तो अगर उसे डिटरमाइन करना है तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स बाय द कंसिडरेशन ऑफ दिस स्मॉल इंक्रीमेंट फंक्शन। अब आप देख पा रहे हो यहाँ डेल वाई डेल एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, तो लिमिट आ जाएगा बच्चों डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। यहाँ हमने डेल यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है। अब हम यहाँ सिंपली लिमिट को सेपरेट कर दे रहे हैं बच्चों, और देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल यू इंटू आ जाएगा बच्चों लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स, इस टर्म का मतलब डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों। बट यहाँ देखिए यहाँ है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल यू, तो हमें डेल यू टेंस टू जीरो चाहिए, बट यहाँ हमारे पास एक कंसेप्ट अवेलेबल है क्योंकि दोनों डेल एक्स और डेल यू ये दोनों स्मॉल इंक्रीमेंट इन वेरिएबल है बच्चों, और वो भी टेंस टू जीरो ही है, तो हम उन्हें इक्वल मानकर रिप्लेस कर सकते हैं, दे आर रिप्लेसेबल। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट डेल यू टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल यू और इंटू आ जाएगा बच्चों लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स। तो इस टर्म की वैल्यू है बच्चों हमारे पास डेल वाई बाय डेल यू, जो हमने ऊपर पहले ही मेंशन कर ली है, देखिए यहां पर ही लिखी हुई है। ये हम लोगों ने डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखा था जो स्मॉल इंक्रीमेंट की टर्म ली थी, और यहां आ जाएगा बच्चों डेल यू बाय डेल एक्स। और एल एच एस क्या है हमारा डी वाई बाय डी एक्स, और ये भी डी यू बाय डी एक्स है बच्चों। तो यही हमारा चेन रूल है, और यही चेन रूल का प्रूफ दैट है जो हम लोगों ने जाना। बट ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन का, अगर हमें डबल कंपोजिट फंक्शन मिलता है तब क्या करेंगे। तो ये आप कह सकते हो ये एक डिडक्शन है चेन रूल को, जो हम समझ चुके हैं, तो उसके ऊपर से बनाया हुआ। तो वो कैसा है देखिए, ये डिडक्शन है, कंसिडर कर लीजिए एक y फंक्शन है u का, फिर एक u फंक्शन है v का, और फिर v फंक्शन है x का। तो ये कैसा हो गया बच्चों, y के अंदर जो f ऑफ u लिखा हुआ है हमने, तो u की जगह g ऑफ v आ जाएगा और v की जगह g ऑफ x आ जाएगा। तो चेन रूल कैसे बनेगा हमारा, हम एट द लास्ट dy वाई बाई डी एक्स डिटरमाइन कर पाएंगे, बट हमें वो डिटरमाइन करते समय पहले y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u, फिर u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू v, और फिर v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा क्यों है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है, जिस वेरिएबल के फॉर्म में हमें वेरिएबल को फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है उसी रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे देखिए y फंक्शन है u का, तो हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u बना पाएंगे, यहाँ u फंक्शन है v का, तो हम इसका u का डेरिवेटिव बनाएंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू v, और फिर v का प्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ x, तो उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इतने ही सिंपल तरीके से आप चेन रूल के प्रूफ दैट को परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि आप तक ऐसे ही प्रूफ पहुंचते रहे और आपको मैथ्स के कंसेप्ट समझने में आसानी हो और डेरिवेटिव सॉल्व करते समय किसी भी तरह का डर ना लगे। और